वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा सहित पूरे भारत वर्ष में स्वतंत्रता दिवस इस बार अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस को हम सब ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य अकोला की ग्राम पंचायत धनौली में पहुंची, तो धनौली में ब्लॉक प्रमुख अकोला रविंद्र उर्फ राजू एवं अनिल प्रकाश के साथ साथ सभी गणमान्य लोगों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें, मंच पर मंचासीन सभी लोगों का शापा और माला पहनाकर ब्लॉक प्रमुख रविंद्र सिंह की तरफ से स्वागत और सम्मान किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपने विधानसभा में एवं अपने क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में कुपोषण बच्चों की गिनती कराई गई, जिसमें लगभग 1000 बच्चों का वजन कराया गया और उन्हें सरकार की ओर से किट प्रदान की गई। उन्होंने महिलाओं से अपील किया कि इन बच्चों को इन किटों का उपयोग करें, यानी ये हमारे द्वारा जो खाद्य सामग्री आपको दी जा रही है उन्हें इन बच्चों को ही खिलाएं, ताकि ये बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो सकें और हष्ट पुष्ट रखें। इस प्रकार उन्होंने लगभग 1000 महिलाओं को किट प्रदान की गई और बच्चों के लिए भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, उनके लिए इस प्रकार की योजना है कि वह कुपोषण का शिकार ना हो। साथ ही साथ उन्होंने अपने आंगनबाड़ी बहनों को साड़ी वितरित की। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का जन्मदिन भी स्वतंत्रता दिवस के दिन ही रहा, जिसके चलते कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास दोगुना हो गया। जहां पूरा देश आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के जन्मदिन को भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी से लेकर ब्लॉक के अधिकारी वीडियो सुष्मिता यादव सहित ब्लॉक प्रमुख राजू प्रधान अनिल प्रकाश सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो हमारी खबरों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारी खबरों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत कुपोषित बच्चे मुझे देखने को मिले और बहुत तो गंभीर हालत में थे, जो हॉस्पिटल में हर समय भर्ती रहते हैं। 25 बेड का एक अलग से हमारा वो है हॉस्पिटल बच्चों का, उसमें हम इन बच्चों को भर्ती करते हैं, 15 दिन वहाँ रखते हैं। जब ये बच्चे थोड़े स्वस्थ हो जाते हैं, जब ये बच्चे ठीक हो जाते हैं तो इन्हें घर भेजते हैं, फिर दूसरे बच्चों को ले जाते हैं। ये लगातार क्रम चलता रहता है। आप लोग भी कभी हॉस्पिटल जाके देख सकते हो, कोई कमी लगे तो मुझे बता सकते हो, उसे मैं ठीक करने का प्रयास करूँगी। आज हमने 1000 कुपोषित बच्चों का वजन कराया है, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया है, उनकी लंबाई देखी है। जब हम इन्हें ये खिला देंगे 3 महीने, फिर उनका हम वजन करेंगे, लंबाई नापेंगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। अगर ये इस भोजन से उनको ये सब पोषण मिल रहा होगा तो इसे हम 6 महीने तक उन्हें खिलाएंगे और उन्हें स्वस्थ कर देंगे। आंगनबाड़ी बहनें हैं, अपनी सैलरी को लेकर विरोध कर रही थी कुछ समय पहले, इस तरीके से उनका विचार करेंगे। वैसे आपको मैं एक बात जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश में और राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा वेतन हम दे रहे हैं। अगर उन्हें और कोई कठिनाई है तो उस पर भी बात करेंगे। आपका जन्मदिन मनाया है, लोगों ने बड़ी खुशी है आज। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरा जन्मदिन मनाया, केक कटा, इतने लोगों की मुझे दुआ मिली। ईश्वर करे मैं और ज़्यादा काम कर पाऊँ लोगों के। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माननीय बड़ी बहन कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के द्वारा कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार के पैकेट वितरण किए गए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के लिए साड़ियां भेंट की गईं। आज उनका जन्मदिवस था तो उन्होंने
अपना जन्म दिवस आज क्षेत्रीय जनता के बीच में, अपनी जनता जनार्दन के बीच में मनाया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तरीके से मनाया गया था? बड़े शानदार तरीके से चारों तरफ आपको हर्ष और उल्लास दिखाई दे रहा है। हमारी नज़र में लोगों में इतना उत्साह है, अपार उत्साह है, ऐसा महसूस होता है कि ये 75वीं वर्षगांठ जो है गोल्डन जुबली मनाई जा रही है।